लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 13 दिल्ली सल्तनत का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और प्राइवेट में वीडियो दे रहा हूँ, तो पहले आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे डायनेस्टी के बारे में पार्ट 1 में बताया है और आज मैं आपको गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, सारे डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ओके, तो आज मैं आपको गवर्नेंस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड से समझाने वाला हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, हम लोग जानेंगे कि उस समय क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था सल्तनत पीरियड में। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे वहाँ जो भी सुल्तान हुआ करते थे वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे हावी हुआ करते थे, क्योंकि स्टेट का ही सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ वो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी एक्ट करते थे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर भी एक्ट करते थे। वो बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। ओके, अब हम दोनों देख लेते हैं। दीवानी वजारत, जो हेड था इस डिपार्टमेंट का वो वजीर हुआ करता था, जो कि फाइनेंस पर ध्यान देता था, रिवेन्यू हो गया और टैक्सेशन हो गया। ठीक है, और पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो जो है अपना ध्यान देता था, और उस समय उसे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी लिया जा सकता था। अब सेकंड हमारे पास आता है दीवानी अर्ज, वो जो है वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ करता था, जो कि मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करता था, इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करता था। ठीक है, कंप्लीट डिसिप्लिन को मेंटेन करने का भी काम उसी का हुआ करता था। आज प्रेजेंट में भी देखा जाए तो आज के ज़माने में जो डिफेंस मिनिस्टर है उसी की तरह उस समय दीवानी अर्ज का भी काम था। अब दीवान ई इंशा, वो जो है स्टेट के पूरे करस्पॉन्डेंस का इंचार्ज हुआ करता था। ठीक है, दूसरे इंडिपेंडेंट स्टेट के रूलर्स के साथ और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स के साथ। चीफ बारिद, बारिद जो है वो जासूस हुआ करते थे। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना गुप्तचर, उसी प्रकार से जो चीफ बारिद थे वो जासूस हुआ करते थे। ठीक है, वे जो है सुल्तान के आँख एवं कान हुआ करते थे, मतलब चीफ बारिद के पास गुजी उल कुजात। वो जो है आज के डेट पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हुआ करते हैं उसी प्रकार से कुजात हुआ करते हैं। जुडिशियरी उनका मेन काम था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोर्ट में फैसला होता है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, उसमें उनका काम यही रहता था। अब वकीली दर, ये जो है सुल्तान के पर्सनल कंफर्ट पे देखते थे और उनके फैमिली के पर्सनल कंफर्ट पे देखते थे। इसके साथ साथ वो कारखानाज में भी अपना ध्यान देते थे, जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और रॉयल फैमिली के द्वारा रिक्वायर्ड थे। ठीक है, और प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी उनका काम था। तो बस इतना ही था डू यू नो में। यहाँ पर डू यू नो में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है सल्तनत पीरियड में किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ठीक है, अब सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी था वो मेनली दो क्लासेस में डिवाइडेड था सल्तनत पीरियड के दौरान। पहला हिंदूज और दूसरा मुस्लिम। जो मुस्लिम थे वो इस्लामिक स्टेट में रूलिंग क्लास थे, वे जो है दो सेक्ट्स में डिवाइडेड थे। मुस्लिम भी दो सेक्ट्स में डिवाइडेड थे, पहला सुन्नी और दूसरा शिया। तो मुस्लिम्स है ये हाइयर इकोनॉमिक स्टेटस को इंजॉय करते थे। हिंदूज को उतना हाइयर इकोनॉमिक स्टेटस नहीं था, लेकिन मुस्लिम्स को हाइयर इकोनॉमिक स्टेटस था। सल्तनत पीरियड के दौरान स्लेव सिस्टम जो है वो बहुत ही पॉपुलर था। फिरोज तुगलक थे, उनके पास 180,000 स्लेव्स थे। ठीक है, और उस समय वुमेन्स का जो कंडीशन था वो उतना अच्छा भी नहीं था, वुमेन का कंडीशन अच्छा नहीं था उस टाइम। बहुत सारे मुस्लिम जो है वो अपनी एक वाइफ से ज़्यादा रखते थे। ओके, एक मुस्लिम विधवा जो है वो वापस फिर से शादी कर सकती थी, रीमैरिज कर सकती थी, लेकिन हिंदू सोसाइटी के लिए रीमैरिज अलाउड नहीं था। मतलब विडो का मतलब क्या समझ सकते हैं कि एक विधवा औरत, ठीक है, जिनका जो हस्बैंड है उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कितना अंतर है दोनों में, कि मुस्लिम विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती है, वो अपने हस्बैंड के मरने के बाद फिर से शादी कर सकती है, लेकिन वहीं एक हिंदू विडो जो है वो रीमैरिज, उनका रीमैरिज अलाउड नहीं था।
अब कंट्री के टोटल पॉपुलेशन का हिंदूज जो है एक लार्ज मेजोरिटी फॉर्म करते थे, लेकिन वो जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, बहुत ही पीछे रह जाते थे हिंदूज उस टाइम सल्तनत पीरियड में। ओके, उन्हें जो हाई हाई पोस्ट नहीं दिया जाता था, वो हमेशा पीछे ही रहते थे। लेकिन जो मुस्लिम्स थे उन्हें हमेशा हाई पोस्ट मिलते रहते थे। आपने यहाँ पर भी देखा कि किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, जो हिंदू सोसाइटी था वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था। जो लोअर क्लासेस थे वो हायर क्लासेस के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते थे। मतलब जो हायर क्लासेस है वो लोअर क्लासेस पे हावी थे, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। इसके कारण क्या होता है ना कि वाइड स्केल कन्वर्जन होता है इस्लाम में। बहुत सारे हिंदूज जो है वो इस्लाम में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जो हिंदू सोसाइटी था वो बहुत सारे इविल्स उस समय थे, हिंदू सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स के कारण हिंदू सोसाइटी जो है उस समय सफ़र करता था, जैसे कि सती सिस्टम। ओके, सती सिस्टम का मतलब हो गया कि जो विडो है अपने हस्बैंड के डेथ के बाद उन्हें जो है अपने हस्बैंड के फनरल पीरियड पे उन्हें लेटा दिया जाता था और उनके हस्बैंड के साथ उन्हें भी उनकी चिता पे जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये था सती सिस्टम। उसके बाद चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, जैसे कि 2, 3, 4, 5 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। ठीक है, विडो रिमैरिज में बैन था, विडो रिमैरिज नहीं कर सकती थी। हिंदू की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद फीमेल एजुकेशन, उतना फीमेल का एजुकेशन भी नहीं था, क्योंकि हम लोग आगे ही पढ़ा कि वुमेन का सोसाइटी बहुत ही, मतलब वुमेन का कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब था। ओके, फीमेल का एजुकेशन भी नहीं होता था। इंटर कास्ट मैरिज भी अलाउड नहीं था। अब हमारे पास आता है इकोनॉमी। बहुत सारे पीपल जो है सल्तनत पीरियड में वो एग्रीकल्चर में इंगेज थे, जो कि रेन पर डिपेंडेंट होते थे। बारिश जब होती थी उस पर वो डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, और वो जो है कैनल्स और वेल्स को यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए। फिरोज तुगलक बहुत सारे कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि एग्रीकल्चरल के लिए हेल्पफुल था। अब फिरोज तुगलक के बारे में आपने तुगलक डायनेस्टी में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। यदि आपने इसका एक्सप्लेनेशन में नहीं देखा है तो एक्सप्लेनेशन भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे डायनेस्टी को एक रूलर के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है। ओके, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इस चीज़ को जाना था कि फिरोज तुगलक ने बहुत सारे काम किए थे, उन्होंने कैनल्स भी कंस्ट्रक्ट किए थे। अब जो कैनल्स जो फिरोज तुगलक ने कंस्ट्रक्ट किए थे वो एग्रीकल्चरल के लिए हेल्पफुल थे, लेकिन जो फार्मर्स थे वो पॉवर्टी और मिजरी के लाइफ को लेड कर रहे थे। तो उनका लाइफ उस समय उतना अच्छा नहीं था, फार्मर्स का, किसानों का लाइफ, पीजेंट्स का लाइफ उस समय इतना अच्छा नहीं था। जो मेन इंडस्ट्रीज थे उस समय वो स्पिनिंग थे, वीविंग के इंडस्ट्रीज थे, शुगर प्रोडक्शन के इंडस्ट्रीज थे, ओके, हैंडीक्राफ्ट के इंडस्ट्रीज थे, पॉटरी और ज्वेलरी मेकिंग के इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। कुछ सुल्तान जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट को पैट्रनाइज करते हैं। ओके, उनके पास अपना कारखाना हुआ करता था, जहाँ पर सभी फैंसी और लग्जरी गुड्स बनाए जाते थे। ठीक, ओके, रॉयल फैमिली के लिए बहुत सारे लग्जरी गुड्स बनाए जाते थे, फैंसी गुड्स बनाए जाते थे, और इसके लिए उनका अपना कारखाना हुआ करता था, अपना फैक्ट्री हुआ करता था। इंडिया जो है इंटरनल और फॉरेन ट्रेड को फ्लॉरिश करता था, जो कि सी के द्वारा भी किया जाता था और लैंड के द्वारा भी किया जाता था। इंडिया कौन कौन से चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था? तो पहला राइस स्पीसीज, इंडिगो, टेक्सटाइल्स, सिल्क एंड सैंडलवुड, और हॉर्सेस को इंपोर्ट करता था, वाइन को इंपोर्ट करता था, हाई ग्रेड टेक्सटाइल को इंपोर्ट करता था, ग्लासवेयर को इंपोर्ट करता था, और रॉ सिल्क को इंपोर्ट भी करता था। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि इंटरनल और फॉरेन ट्रेड होता था इंडिया का, ये लैंड से भी होता था और सी के द्वारा भी होता था। अब रिलीजन, इस पीरियड के दौरान हिंदू जो है वो डोमिनेंट रिलीजन था। ये जो है बहुत सारे पीपल के द्वारा फॉलो किया जाता था। हिंदू जो है ये वैष्णविज्म और शैविज्म को फॉलो करता था। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये पीपल के द्वारा प्रैक्टिस किए जाते थे। इस्लाम इंडिया में महमूद गजनी के द्वारा लाया गया था और महमूद गौरी के द्वारा लाया गया था। तो महमूद गजनी और महमूद गौरी के बारे में आप लोगों ने तुर्किश इन्वेजन्स वाले चैप्टर में पढ़ा ही है। ओके, इन्होंने ही इंडिया में इस्लामिक कल्चर को लाया था, इस्लाम को लाया था। ओके, वो जो है एक गॉड में बिलीव करते थे और हिंदू जो है बहुत सारे गॉड्स की पूजा करते थे। ओके, आज भी हिंदू जो है वो बहुत सारे गॉड की पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम्स थे वो एक ही गॉड पे
बिलीव करते हैं करते थे उस समय। सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट जो वो भी इस पीरियड के दौरान ही स्टार्ट होता है। तो आपने किस किस की इसके बारे में जान लिया? एडमिनिस्ट्रेशन उस समय का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत सल्तनत पीरियड में। सोसाइटी के बारे में जाना कैसा सोसाइटी था उस समय। सोसाइटल चेंज के बारे में जाना, उसके उसके साथ साथ इकोनॉमी के बारे में जान चुके हैं, रिलीजन के बारे में जान चुके हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट आता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस पीरियड के दौरान खड़ी बोली और ब्रज भाषा जो है ये लिटरेरी लैंग्वेज बन जाते हैं, और जो प्रोज होते थे और जो पोएट्री होते थे इस पीरियड में वो इन्हीं लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो जो मुस्लिम्स है ये पर्शियन और अरेबिक अपने कोर्स में पर्शियन और अरेबिक का मिक्सचर यूज़ करते थे किसी भी चीज़ के लिए। जो इंट्रोडक्शन था हिस्टोरिकल लिटरेचर का वो उसका जो है इस टाइम में इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। जियाउद्दीन बरानी थे वो एक फेमस हिस्टोरियन थे जिन्होंने तारीखी फिरोजशाही लिखा। अमीर खुसरो ये एक वेल नोन लिटरेरी जीनियस थे उस पीरियड में। वो सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग पोएट नहीं नहीं बल्कि वो एक म्यूजिक कंपोजर थे और एक हिस्टोरियन भी थे। तो ये यहाँ पर अमीर खुसरो का आप इमेज भी देख सकते हैं, ये है अमीर खुसरो, कितना सुंदर सा इमेज है। तो जो अमीर खुसरो है इस वो पोएट के साथ साथ एक म्यूजिक कंपोजर और हिस्टोरियन भी थे। और आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जियाउद्दीन बरानी जो कि एक फेमस हिस्टोरियन थे इन्होंने क्या लिखा था? तो उन्होंने ताजिकी फिरोजशाही लिखा था। जो लोकल लैंग्वेजेस हुआ करता था जैसे कि बंगाली और गुजराती ये सल्तनत के बहुत सारे पार्ट में यूज़ किए जाते थे। भक्ति और सूफी सैन जो है ये लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ करते थे अपने प्रीचिंग्स के लिए। उर्दू जो है ये भी इस पीरियड के दौरान डेवलप होता है जो कि तुर्किश और हिंदी का मिक्सचर था। बहुत सारी इंडियन क्लासिक्स जो है ये पर्शियन और तुर्किश को दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। इसी के साथ हम लोगों का लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी पूरा हो गया। हम लोगों के यहाँ पे एक दुयुनो छूट गया था। चलिए मैं इसे रिपीट कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट था 24 परगनास। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर 24 परगनास थे इस डिस्ट्रिक्ट में। अब परगाना क्या होता है? एक परगाना जो है ये 84 और 100 विलेज के साथ कंप्राइज होता है, मतलब कि एक परगाना के अंदर 84 और 100 विलेज रहते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता है? 24 परगनास, ये वेस्ट बंगाल में है। अब हम लोगों का लैंग्वेज एंड लिटरेचर भी पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस सल्तनत के दौरान आर्किटेक्चर का एक न्यू स्टाइल डेवलप होता है इंडियन क्राफ्टमैन के हेल्प से। और इस आर्किटेक्चर को कहा जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और इसका जो इम्पैक्ट है ये उस समय के उस पीरियड के दौरान में जो भी मॉन्यूमेंट्स बने थे उसमें ये क्लियरली विजिबल है। हम लोग क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को। अर्लीस्ट एग्जाम्पल है इन आर्किटेक्चर का वो है कुतुबी मस्जिद, कुवतुल इस्लाम मॉस्क्यू। और दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ये सब जो है कुतुब मीनार हो गया, फिर कुवतुल इस्लाम मॉस्क्यू, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है जो कि दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट सुल्तान थे। स्लेव डायनेस्टी के वह उनका बहुत ही जल्दी डेथ हो जाता है, वो पूरे कुतुब मीनार को नहीं देख पाते हैं। पूरा उनके डेथ से पहले पूरा कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं हो पाता है। आगे जो कुतुब मीनार जो कंप्लीट करना बचा रह गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता है जो उनके बाद बनते हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। अलाउद्दीन खलजी जो है ये कुवतुल इस्लाम मॉस्क्यू का एक्सटेंड करते हैं और वहाँ पर अलाई दरवाज़ा उसके पास में अलाई दरवाज़ा बनाते हैं। ये बहुत ही डेकोरेटिव और इम्प्रेसिव गेटवे है एक आर्च के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुतुब मीनार का इमेज दिखाया हुआ है और यहाँ पर अलाई दरवाज़ा। तो ये जो कुतुब मीनार है ये बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और अलाई दरवाज़ा बनवाया गया है अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। रुयुनो, अब हम लोग इस रुयुनो को देखते हैं। खलजी जो अलाउद्दीन खलजी है वो कुतुब मीनार के सामने ऐसे कि उन्होंने कुआ तो इस्लाम मॉस्क्यू के पास में एक अलाई दरवाज़ा बनाया, उसी की तरह वो जो है कुतुब मीनार के फ्रंट में एक मीनार बनवाना चाहते थे जो कुतुब मीनार से
कुतुब मीनार की हाइट से डबल हो, जितना कुतुब मीनार का हाइट है उससे डबल होगा उसका हाइट, वो इस चीज़ को सोचे हुए थे। ओके, लेकिन वो अपने ड्रीम को, अपने सपने को पूरा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक यंग एज में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, वो उनका डेथ एक यंग एज में हो जाता है। ओके, और जो इनकम्प्लीट मीनार है, शुरुआत तो हो गया था उस मीनार के बनवाने का, लेकिन जो इनकम्प्लीट मीनार जो है ये आज भी देखा जा सकता है क्योंकि वो मीनार पूरा नहीं हो पाया और थोड़ा सा बन के वो छूट गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हो जाता है। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, तुगलक जो है ये बहुत सारे सिटीज़ को फाउंड करते हैं, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद। ओके, ये सब सिटीज़ है तुगलक के द्वारा, ये सब सिटीज़ फाउंड किए गए हैं तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा, ये सब सिटीज़ फाउंड किए गए हैं। जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है तुगलक का, ओके, वो है गियासुद्दीन तुगलक स्तंभ, ये एक मॉन्यूमेंट है तुगलक्स का, गियासुद्दीन तुगलक स्तंभ। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में आप लोग जानते हैं। ओके, जो टॉम्ब है ये ऑक्टागोन है, एट साइडेड है शेप में, और ये जो टॉम्ब है ये तुगलकाबाद के फ्रंट में है, तुगलकाबाद फोर्ट के फ्रंट में है साउथ दिल्ली में, और इसका जो लोकेशन है ये किस रोड में है, तो ये मेहराउली ओखला, जो कि अभी मेहराउली बदारपुर जो रोड है उसमें ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ओके, तो आप देख सकते हैं तुगलकाबाद फोर्ट, दिल्ली का तुगलकाबाद फोर्ट देख लीजिए, अभी ये है फोर्ट। ओके, अब डू यू नो लोधी रोड और लोधी गार्डन दिल्ली में है, जो कि लोधीज के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के लास्ट डायनेस्टी था, मतलब जो लोधी डायनेस्टी था ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी हुए थे, पहला स्लेव डायनेस्टी, ओके, दूसरा खलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बारे में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, और फिफ्थ आप लोगों के बुक में दिया हुआ है लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बारे में आप लोगों को दुनिया में दिया हुआ है। ओके, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी में बताया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ये चैप्टर पूरा होता है। ओके, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस का लगा करता हूँ। और स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर का नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे डायनेस्टी के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में ही बताया है, और सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।